उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जेपीएनआईसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। भारत की मशहूर राजनीतिक हस्ती रहे जयप्रकाश नारायण की जयंती से पहले जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी जेपीएनआईसी का गेट सील कर दिया गया। अखिलेश यादव यहां माल्यार्पण करने आने वाले थे, मगर इससे पहले ही यूनिवर्सिटी का गेट सील हो गया। साथ ही सपा सुप्रीमो के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दिया गया। योगी सरकार के इस रुख पर अखिलेश यादव काफी नाराज हैं और अब उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन तमाम खबरों के बीच आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये जेपीएनआईसी विवाद क्या है, तो आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं पूरा मामला क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जेपीएनआईसी क्या है। लखनऊ में स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। समाजवादी सरकार के दौरान 2016 में जेपीएनआईसी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस इमारत को बनाने में 864 करोड़ रुपयों का खर्च आया। महज एक साल के अंदर इमारत का 80% काम पूरा हो गया। हालांकि 2018 में योगी सरकार आने के बाद जेपीएनआईसी का काम रोक दिया गया। योगी सरकार का कहना है कि जेपीएनआईसी को बनवाने में सपा सरकार ने धांधली की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। 2018 से ही जेपीएनआईसी का काम रुका हुआ है और ऐसे में जेपीएनआईसी के महंगे टाइल्स पर घास तक उगाई है। हालांकि योगी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी है। अब जानते हैं कि जेपीएनआईसी खास क्यों है। जेपीएनआईसी में जयप्रकाश नारायण से जुड़ा म्यूजियम, 100 कमरों का गेस्ट हाउस, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, टेनिस लॉन, बैडमिंटन कोर्ट और छत पर हेलीपैड जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस 18 मंजिला इमारत के परिसर में जयप्रकाश नारायण की विशाल मूर्ति भी मौजूद है और इसी मूर्ति पर माला पहनाने के लिए अखिलेश यादव जेपीएनआईसी आना चाहते थे, मगर गेट सील होने की वजह से वो यहां नहीं आ सके। पिछले साल भी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को प्रतिमा पर माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। प्राधिकरण का कहना था कि सेंटर पर साफ सफाई का काम होने के कारण वहां ताला लगाया गया था। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांदकर अंदर पहुंचे थे और इसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल भी हुआ था।